Hello students, myself Prashast Jain. So today we are going to discuss part 10 of Guru Niti video solutions. In this topic we are going to discuss chapter straight line. Yes, myself Rinkesh Kumar Gupta. Okay, so let us start. Question number 1 में स्टूडेंट हमें ये कहा है कि x और y पॉजिटिव नंबर है, साथ में x प्लस y का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 है. तो ये जो इनइक्विटीज हम लोगों को दे रखी है, इनमें से कौन सी इनइक्विटी हम लोगों के पास में करेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है. तो स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट इनइक्विटी की बात कर रहा हूं. देखिए स्टूडेंट हम लोगों को दिया गया है कि x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 5. इस तरह से हम लोगों को दिया गया है. से मैंने इस पूरी इनइक्विटी को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट 4x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20. ओके, ये हम लोगों को मिला. अब आप ये सोचिए कि अगर 4x प्लस 4y की वैल्यू 20 से छोटी है, तो अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूं विच इज लेस देन 4x प्लस 4y, तो वो भी हमारे पास में 20 से ही छोटा होगा. अब ना अगर मैं आपसे ये पूछूं स्टूडेंट कि 4x प्लस 4y और 3x प्लस 4y इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है, तो स्टूडेंट यहां पर हमें पता है कि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 4x विल बी लार्जर देन 3x. So this number is obviously larger than this number that I can say. तो अब आप देखिए कि अगर 4x plus 3y 20 से छोटा है और 4x plus 3y खुद 3x plus 4y से बड़ा है, तो इन दोनों को अगर मैं कंक्लूड करूं, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसे और इसे, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए एक इनइक्विटी लिख रहा हूं कि 3x plus 4y is less than 4x plus 4y and which is less than equal to what? 20. इन दोनों को इंक्लूड करके मैं लिख सकता हूं. तो आप केवल इन दोनों को देखिए, इससे मुझे मिलेगा कि 3x plus 4y is less than equal to 20. 3x plus 4y की वैल्यू 20 से छोटी है, इवन इक्विटी लगाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है. अगर 3x plus 3y 20 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि 3x plus 4y जो होगा वो निश्चित रूप से 25 से भी छोटा ही होगा. इसका मतलब फर्स्ट इनइक्विटी का सेटिस्फाई होना जरूरी है. और यहां पर आप इक्विटी लगाएंगे तो भी बात सही है, नहीं लगाएंगे तो भी ये सही है. तो ये इनइक्विटी सही है. इस रूल से जैसे मैंने आपको समझाया, बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का करेक्ट होना नेसेसरी है और टू का फॉलो होना जरूरी नहीं है. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The vertex O of an isosceles triangle OBC lies at the origin. मतलब point O आपका origin बोला गया है. OBC एक isosceles triangle है. And the equation of the base AB is x minus y plus 1 equal to 0. OA OB आपकी 6 है. Then area of the triangle OAB. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है. ये लाइट एक ट्राइंगल है आपका OAB. O 0 0 गिवन है आपको. ये A है, ये B है. और OA और OB दोनों की लेंथ बेटा 6 है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? अपोजिट एंगल इक्वल. तो आप जब अपोजिट वर्टेक्स से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों को क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड. और ये एंगल बेटा 90 होगा आइसोसेलस ट्राइंगल के अंदर. तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगोगे? हाफ बेस AB लेट करो और इसकी हाइट लेट करो लेट OM. तो देखो कैसे करना. आपको आपके पास पॉइंट O गिवन है और इस AB की इक्वेशन गिवन है. तो ओरिजिन से मतलब 0,0 से AB लाइन की डिस्टेंस, तो 0,0 के रेस्पेक्ट में आप इस लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? OM इक्वल टू पॉइंट पुट करो तो 1/√2. ये आपके पास OM डिस्टेंस है. OM डिस्टेंस गिवन है आपको, इसको x लेट करो, इसको x लेट, और राइट एंगल ट्राइंगल से आप ये 1/√2 है, ये 6 है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? x. और x आ गया तो AB क्या आ गया बेटो? 2x. AB आपके पास पता है और हाइट आपके पास 1/√2 है. तो इन दोनों की वैल्यूज को जब पुट करोगे आप इसमें, तो बेटा कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन. ये आप खुद करना कैलकुलेशन. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए इसमें ऐसा कह रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका सर्कमसेंटर 1,1 है और एक साइड हम लोगों के पास में x प्लस y इक्वल टू 3 है. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है स्टूडेंट, उसमें सारे के सारे जो स्पेशल पॉइंट होते हैं वो सेम होता है. तो सर्कम सेंटर बोला जाए या सेंट्रॉइड बोला जाए या इन सेंटर, ये सब एक ही बात है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सर्कम सेंटर या सेंट्रॉइड हम कुछ भी मान सकते हैं, वो 1,1 है. और एक साइड लेट अस से कि ये जो साइड है
इसकी इक्वेशन हम लोगों के पास में x plus y equals to 3 है। अब हमको इसका कोई एक वर्टेक्स, बेसिकली हम लोग तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं और हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो से स्टूडेंट ये हमारे पास में इसका सेंट्रॉइड है, अगर मैं इससे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सेम ही है, तो ऑर्थो सेंटर और ऑल्टीट्यूड पर होता है। तो ये जो AD मैंने खींची है इसको मैं मीडियन भी बोल सकता हूँ, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ, एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC भी बोल सकता हूँ। दिस इज 1.1, ओके ये हमको पता है। तो देखिए सर, एक तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो सिंस दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, तो ये पूरा 60 था तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि 1.1 से मैं इस लाइन की डिस्टेंस निकाल दूं, अगर इसको मैं मान लीजिए जी बोलता हूं तो GD डिस्टेंस हो गई 1+1-3 डिवाइडेड बाय √2 इसका मॉडुलस, दैट इज 1/√2। ये डिस्टेंस हमारे पास में 1/√2 है। अब ये जो ट्रायंगल GVD दिख रहा है उसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं या ट्रिग्नोमेट्री को ही इवन मैं यूज कर लूं तो देखिए हम लोगों के पास में यहां पर रिजल्ट आएगा कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज BD, तो यहां से स्टूडेंट BD लेंथ हम लोगों के पास में आ जाएगी, दिस इज 1/√3, सो BD इज 1/√6। ये लेंथ हमारे पास 1/√6 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हम लोगों के पास में 1/√6 है, तो टोटल लेंथ हो गई स्टूडेंट 2/√6 जो इसकी ट्रायंगल की साइड लेंथ हो गई। अब आप बताइए ये एक स्ट्रेट लाइन है BC, हम इस पे पॉइंट डी इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, 1.1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके पॉइंट डी इसके कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। अब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आप आ चुके हैं तो स्ट्रेट लाइन BC की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखिए और डी पॉइंट से 1/√6 डिस्टेंस के पॉइंट आप निकाल दीजिए, उससे आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगर स्टूडेंट हमारे पास में बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वी नो कि सेंट्रॉइड इज 1.1, तो ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स के अर्थमेटिक मीन को ही जी बोलेंगे हम लोग। बी और सी मेरे पास है, सेंट्रॉइड मेरे पास है, तो कैलकुलेशन से हम पॉइंट ए निकाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो हम देख लेंगे कि उन तीनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट यहां पर है और अकॉर्डिंगली हमको आंसर मिलेगा। तो कैलकुलेशन करने से आपको पता लगेगा कि 0.0 जो होगा वो पॉइंट ए निकल करके आएगा, बी और सी इस चारों ऑप्शंस में नहीं होंगे क्योंकि वैसे ही हमको दिख रहा है कि ये पॉइंट ये और ये इनमें से कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो नो पॉइंट इज बी और सी। तो ए पॉइंट जब आप निकालेंगे तो वो 0.0 आएगा, दैट विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज ड्रॉन टू द पॉइंट 1.2 शो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन आपने लाइन ड्रॉ की जो इसको लेट इस पॉइंट पे क्या करती है इंटरसेक्ट, इसको अपन पॉइंट पी लेट कर देते हैं, इसको लेट पॉइंट ए, और क्या बोला गया है कि जिस पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ की है और जो ये लाइन गिवन लाइन को क्या करती है इंटरसेप्ट, तो उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बेटा 3√2 गिवन है। तो आपको दिस लाइन L1 का क्या चाहिए, स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो क्या मेथड है, सिंपल, लेट इस लाइन का x के साथ एंगल थीटा लेट करें आप, तो इसमें आप यूज करो पैरामेट्रिक फॉर्म, गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट लेट करना है। तो क्या करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी इसमें, x − x1 cos θ = y − y1 sin θ = r की वैल्यू क्या, 3√2। तो आप फर्स्ट को 30 के साथ सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1+√2 cos θ और y की वैल्यू होगी 2+√2 sin θ, और ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट P, और बाद में क्या करना है, पॉइंट P लाइज ऑन दी लाइन L। इस पॉइंट को जब आप x + y + 3 = 0 में पुट करोगे तो इससे आपको सीधा क्या मिल जाएगा बेटा, tan थीटा। तो इसमें tan थीटा की दो वैल्यू मिलती है +-1, ठीक है, आप पॉइंट P को पुट करना लाइन में तो वो साइन कॉस में रिलेशन होगा और उसकी स्क्वायरिंग कर देना आप सिंपल, या थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो उससे tan थीटा क्या होगा, +-1। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पॉइंट 1.2 से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आंसर 1 भी करेक्ट है और आंसर -1 भी करेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा 3rd। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को कहा गया कि एक रे ऑफ लाइट है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, इट इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड अगेन देन इट पासिस थ्रू 5, 3. Then the equation of line AB we have to find. Let us say this is your x-axis. यहाँ पर हमारे पास में point है A 1, 2. यहाँ से एक ray of light इस तरह से आती है, incident ray. B point पर वो टकराती है और B point से टकराने के बाद में वो इस तरह से चली जाती है और 5, 3 से पास होती है. Let us call it point C. हम लोगों को straight line AB की equation निकालनी है. अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि इस तरह की condition में ये A point जो होगा इसकी x-axis के अबाउट जो image होगी जिसको मैं a डैश बोल सकता हूं, a डैश b और c कोलिनियर होते हैं, है ना. अब आप बताइए कि अगर a पॉइंट की मैं x एक्सिस के अबाउट इमेज लूंगा, 1, 2 की अगर मैं x एक्सिस के अबाउट इमेज लूंगा तो दैट आई विल गेट 1, -2. सो अगर हमको ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो हम a डैश और c से जाने वाली लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं. y-y1 = y2-y1 / x2-x1 × x-x1. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा और आपको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिलेगा. ठीक, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर देखो 6. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉइंट्स ए एंड बी 1, 2 and 7, 5. आपको ए और बी टू पॉइंट गिवन है. द लाइन ए बी इज रोटेटेड थ्रू एंगल 45° इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी which is near to the point B. Then equation of the line in new position. तो देखो इस question का meaning क्या है? आपको two points given है A and B. Point A let करना है आपको 1, 2 और point B given है आपको 7, 5. अब आपको AB line को rotate करना है. एक point है और वो point क्या है? इस AB का tie section का जो part है उसके point B के पास वाला point देना आपको. ए बी नियर टू दी पॉइंट बी. तो देखो ये ए बी है, ये तीनों पार्ट इक्वल हैं तो ये जो रेशो होगा ये रेशो 2 है तो इसको लेट करना आपको 1. क्यों? क्योंकि जो ट्राई सेक्शन है उसमें आपको इसके बी पॉइंट के पास वाला पॉइंट लेट करना है तो ये 2:1 बना गया. तो 2:1 इंटरनल डिविजन से आप इस पॉइंट सी को क्या कर सकते हो, लेट कैलकुलेट. तो पॉइंट सी आने के बाद अब क्या बोला गया है कि इस ए बी लाइन को आपको इस पॉइंट सी के अबाउट क्या करना है, रोटेट. इस पॉइंट सी के अबाउट जब इस ए बी को रोटेट करोगे इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो ये एंगल आपको गिवन है 45°. तो देन आपको क्या करना है बोलो, इस न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट करना. तो देखो क्या करना, पहले आप सी पॉइंट को कैलकुलेट करना किससे, इंटरसेक्शन फॉर्मूले से. तो पॉइंट सी आ जाएगा आपके पास. सी आने के बाद देखो ये ए बी पे 2 पॉइंट गिवन है तो आप ए बी का क्या कर सकते हो, स्लोप बीटा कैलकुलेट कर सकते हो. आपको ए बी का स्लोप गिवन है, इसका स्लोप आप m लेट करो और tan 45° के फॉर्मूले से m1 - m2 / 1 + m1 - m2 से इस m को क्या करोगे, कैलकुलेट. आपको पॉइंट सी पता है, m आपने कैलकुलेट किया तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y-y1 = m(x-x1). इसमें जब वैल्यू पुट करोगे आप दोनों पॉइंट की और m की तो इससे आपको क्या मिलेगी, न्यू पोजीशन में लाइन की इक्वेशन. तो आप कैलकुलेट करना बेटा इसको. चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 7th. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7th में हमें ऐसा कह रखा है कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में कोई रैंडम पॉइंट पी लिया गया है. अब इस पी पॉइंट से हम लोगों ने तीनों साइड्स के पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए. से फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने पहली इस एसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, फिर ये हम लोगों ने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और ये हम लोगों ने एबी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी. ठीक, कॉल इट, इस पॉइंट को अपन पी बोल देते हैं. अब इससे हम लोगों को तीन ट्राइंगल्स मिल रहे हैं स्टूडेंट. देखिए एक ये ट्राइंगल है, इसको मैं बोल देता हूं कि इसका एरिया डेल्टा 1 है. एक ये ट्राइंगल है, इसका एरिया डेल्टा 2 है और एक ये ट्राइंगल है, इसका एरिया डेल्टा 3 है. डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, 4, 9, 49. इस तरह से हम लोगों को तीनों की वैल्यू दे रखी है. तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हम लोगों से पूछा गया है. अब सबसे पहली बात आप ये देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और से मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं यानी जिसका एरिया मैंने डेल्टा 1 बोला है, इसके एरिया की मैं बात करूं, तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास में इक्वल होगा क्योंकि ये साइड और ये साइड कॉम पैरेलल थी. तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसी तरह से ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है और इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो ट्रायंगल एबीसी और ये जिसका एरिया मैंने डेल्टा 1 बोला है, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं.
बिल्कुल ऐसे ही डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी स्टूडेंट सिमिलर हैं। तो बेसिकली हम लोगों के पास में ये जो चार ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया के लिए हम लोग एक बात कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, उनकी किन्हीं भी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिए, उनके स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में स्टूडेंट मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ x है हम लोगों के पास में और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में y है, yes. तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन में देखें किस प्रकार से यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से कि हम लोगों के पास में ये जो BC साइड है इसके ये जो तीन हिस्से हैं, ये हिस्सा A है, ये B है और ये हमारे पास C है। अब ये भी देखिए कि ये अगर A है तो ये भी A ही है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा था, ऐसे ये C है तो ये भी C ही है। तो बेसिकली मैंने BC साइड को A प्लस B प्लस C सपोज कर रखा है। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABC का जो एरिया, मैं ऐसा करता हूं स्टूडेंट कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है उसको मैं डेल्टा बोल रहा हूं और बाकी तीनों को मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बोल ही रखा है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब ट्रायंगल ABC जो है उसमें देखिए ये साइड है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का हमने स्क्वायर किया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसमें है हमारे पास में साइड ए, इसका स्क्वायर किया तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वन इस रेशो के बराबर हमारे पास में होगा। अब आप जानते हैं स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी को अपन 2s बोलते हैं, वेयर s इज सेमी पैरामीटर। तो ये हो गया हम लोगों के पास में 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से उल्टा करके अगर लिखें तो ए स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट बी स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर ये हमें डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा मिलेगा और ऐसे ही सी स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर ये हम लोगों को डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा मिलने वाला है। अब मैं इस रिलेशन को यहां पर देखिए स्टूडेंट की किस प्रकार से यूज करूंगा, इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग चाहे तो इसका रूट लो पहले इनका। हाँ, एक काम हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि इन तीनों का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। उससे क्या स्क्वायर रूट ले रहा हूं और फिर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो देखिए इधर आएगा रेसिप्रोकल ऐड करना, एक मिनट हां, a अपॉन 2s इक्वल टू प्लस b अपॉन 2s इक्वल टू, हां तीनों को ऐड भी मैं साथ में कर रहा हूं, तीनों की इक्वेशन का मैंने स्क्वायर रूट लिया, देन आई हैव एडेड ऑल थ्री इक्वेशंस। तो यहां पर देखिए क्या आएगा स्टूडेंट, सभी में नीचे की तरफ रूट ओवर डेल्टा आ रहा है, तो रूट ओवर डेल्टा और ऊपर आएगा डेल्टा वन का रूट प्लस डेल्टा टू का रूट प्लस डेल्टा थ्री का रूट और नीचे आ जाएगा रूट ओवर डेल्टा। ना अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं स्टूडेंट 2s, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी विच इज अगेन 2s एंड दिस इज रूट ओवर डेल्टा वन दैट इज रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, दिस इज योर 1। तो यहां से आप लोगों को स्टूडेंट डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, डेल्टा आप यहां से निकालेंगे वो 144 मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हां, उसके बाद देखो 8 क्वेश्चन क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर अल्फा शो दैट द पॉइंट अल्फा कॉमा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर माइनस 1 डज नॉट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइन L1 L2 एंड L3। तो देखो उस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो आप खुद करना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। आपके पास थ्री लाइन है L1 L2 एंड L3, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार L1 L2 का क्या करो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये पॉइंट A होगा, फिर आप B कैलकुलेट करो L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट और L2 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा C पॉइंट। फिर आपसे बोला गया कि पॉइंट नॉट लाइक आउटसाइड द ट्रायंगल, इसका मीनिंग जो पॉइंट है वो या तो साइड पे हो सकता है या पॉइंट इसके अंदर लाई कर सकता है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि पॉइंट अगर इस L1 के P और C पॉइंट अगर L1 के वन साइड है तो आप कंडीशन यूज कर सकते हो L1 में पॉइंट P पुट करो अपॉन
एल वन में पॉइंट सी पुट करो, जब दोनों पॉइंट सेम साइड हो तो उनका रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव, एक कंडीशन ही हो। सिमिलरली जो पॉइंट पी है और ए है, ये एल थ्री के क्या होगा, सेम साइड, तो अगेन लिख सकते हो एल थ्री में पॉइंट पी पुट करो अपॉन एल थ्री में पॉइंट ए पुट करो, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए नेक्स्ट, पॉजिटिव। और सिमिलरली बी एंड पी आर ऑल्सो सेम साइड ऑफ द लाइन एल टू, देन एल टू में पॉइंट पी पुट किया आपने अपॉन एल टू में पॉइंट पुट करो बी, तो इसका भी रेशियो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब पॉइंट ए बी सी को पुट करोगे तो ये वैल्यू तो क्या होगी, कॉन्स्टेंट, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, पॉजिटिव है तो साइन डज नॉट चेंज और नेगेटिव है तो साइन को चेंज करना है। तो इससे आपको अल्फा में थ्री इनइक्वलिटी मिलेंगी, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से। तो आप जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, तो आपको अल्फा की वो वैल्यू मिलेंगी जिससे पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल और उसके साइड्स के ऊपर भी हो सकता है, तो आप इस पे इक्वल टू भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी अगर इस जगह हुआ तो एल वन में पॉइंट पी को पुट करके तो वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना, तो आप इन पे इक्वल टू यूज करो, तो इससे आपको अल्फा का क्या मिल जाएगा बेटा, इंटरवल। तो उसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है आपको 2 से 5, ये आप करना अपने अकॉर्डिंग, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा सेकंड, ये कैलकुलेशन करनी है आपको इसमें बस। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और पूछा है कि के की हर वैल्यू के लिए किसी फिक्स पॉइंट से जाती है, तो अब उस पॉइंट से जाने वाली और जिसका स्लोप 2 है ऐसी लाइन हमें निकालनी है। तो पहले तो इस, ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, इसका जो फिक्स पॉइंट है वो हमें निकालना है, तो हमें एल वन प्लस लैम्डा एल टू में इसको लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट की यहाँ पर लिखा है के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के वाई माइनस टू के स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो हम के की टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं, तो पहले इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट, तो ये है के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इन होल स्क्वायर तो हट गया हम लोगों के पास में इंटू एक्स प्लस के वाई माइनस में टू के स्क्वायर माइनस में टू इक्वल टू जीरो, ये हम लोगों को यहां पर दिया गया है। तो इसमें आप लोग अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, कि k स्क्वायर की टर्म को एक तरफ लिखते हैं सबसे पहले, तो k स्क्वायर की टर्म में आ रहा है x माइनस टू, k की टर्म को लिखते हैं तो 2x प्लस y, और अगर कांस्टेंट टर्म्स को देखते हैं तो देखिए जो हम लोगों के पास आ रहा है x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये अगेन कॉमन आ गया फर्स्ट। अब आप देखिए स्टूडेंट कि ये आ रहा है k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू प्लस के इंटू टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। नाउ अगर मैं के स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो इट विल बी एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो। तो इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स पॉइंट होगा, और यहां से हमें दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरल नजर आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, 2x plus y equal to 0 में x को 2 रखूंगा तो y आ जाएगा माइनस 4, तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, और स्लोप है हमारे पास में 2, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2, दैट इज 2x माइनस y माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये स्टूडेंट हम लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हां 10 क्वेश्चन देखो, द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन 3x plus 4y equal to 15। इफ द पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन पी कैन बी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वाड्रेंट। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये जो लाइन गिवन है आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी ऐसे, तो उसमें आप केस अराइज करके देखो, तो एक केस मैं करता हूं आपको, रिमेनिंग केस आप ट्राई करना। जैसे लेट पॉइंट पी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बाय चांस, अब इस पॉइंट पी की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो इसको लेट करेंगे अपन अल्फा कॉमा अल्फा। तो पॉइंट पी को अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट किया है तो अल्फा लेट करो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, कि अल्फा पॉजिटिव होगा, तो इस पॉइंट पी की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, और पॉइंट पी लाइज ऑन दी लाइन, इस लाइन को आप इसी पॉइंट से पास कराना, तो पॉइंट पी को इस लाइन में पुट कर सकते, तो क्या आ गया 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 15, देन अल्फा इक्वल टू आ गया 15 बाय 7, तो यस ये अल्फा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जब पॉइंट 15 बाय 7 कॉमा 15 बाय 7 लेट करोगे तो वो पॉइंट पी लाइन पे भी लाई करेगा, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल। और एक केस और देख लेते हैं कि पॉइंट लाइज ऑन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आप क्या करना अल्फा को तो पॉजिटिव लेट करना,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट लेट करोगे तो क्या होगा, वो पी माइनस अल्फा कोमा अल्फा, अल्फा इसमें पॉजिटिव है तो पॉइंट पी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये पॉइंट पी लाई जोन दी लाइन, इसको अगेन पुट करोगे तो क्या आ गया बोलो, माइनस थ्री अल्फा प्लस फोर अल्फा, अल्फा इक्वल टू 15, तो ठीक है इससे भी अल्फा आपका पॉजिटिव है, तो पॉइंट जब माइनस 15.15 लोगे तो पॉइंट पी लाइन पी भी लाई करेगा बेटा, और दोनों एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आपका लाई कर सकता है। जब आप थर्ड और फोर्थ की बात करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइट करना माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा पुट करोगे तो इससे अल्फा मिलेगा माइनस के 15/7, बट अल्फा तो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा को पॉजिटिव लोगे तो पॉइंट पी ये वाला पार्ट उसी केस में थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इसमें पुट करने पे अल्फा क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, तो ये रॉन्ग। सिमिलरली जब आप पॉइंट पी को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइट करोगे तो उस केस में भी अल्फा नेगेटिव होगा, तो जो पॉइंट पी है वो लाइन पे भी लाइन होना चाहिए और दोनों से डिस्टेंस सेम हो, तो ओनली टू पॉसिबल हो सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होगा बेटा थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड ओनली। ठीक है चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को ऐसा बोल रखा है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस है, मॉडुलस एक्स है तो प्लस माइनस एक्स लिख देंगे, तो दो स्ट्रेट लाइंस। पी इज द पॉइंट ऑन आइदर ऑफ द टू लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों के पास में जैसे कि ये स्ट्रेट लाइंस है, एक बार हमने एक्स को लिया पॉजिटिव तो ये हो गई वाई माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक बार हमने x को लिया नेगेटिव तो ये हो गई हम लोगों के पास में y प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट P है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहां से हमको बोला है P नहीं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं A, क्योंकि P इस क्वेश्चन में दूसरे पॉइंट का नाम है। अब कह रखा है कि हम इन दोनों में से किसी भी स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 5 डिस्टेंस पर जा सकते हैं, चाहे तो इधर जा सकते हैं चाहे तो इधर जा सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां B मिला, यहां हमें C मिला, अब B और C से स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इस इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखिए इनका एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट एक तो ये होगा एक ये होगा, तो B और C से अगर मैं इन पर एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछे। अब ये ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं या C से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस वाले बाइसेक्टर के लिए वो पॉइंट सेम होगा, और अगर मैं इस बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो ये हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट आ जाता है ना। तो हम लोगों को करना क्या होगा इसमें कि ये डिस्टेंस है हमारे पास में 5, ठीक है, और ये डिस्टेंस 5 है। देखिए ये एंगल हम लोग जज कर सकते हैं इन दोनों के बीच का कि एंगल क्या है। हम लोग इसमें बेस्ट तरीका स्टूडेंट क्या होगा कि हम लोग एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे, वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका, वो आप जानते होंगे, और फिर हम उस एंगल बाइसेक्टर पर हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना भी काफी इजी टास्क है, 10 थीटा का फॉर्मूला। तो हम लोगों को जब एंगल पता लग गया, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास में 30 डिग्री हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर 5 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक से हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 5 cos 30 डिग्री होगा, तो ये डिस्टेंस हमें पता होगा। तो हम फिर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखेंगे और इससे ये जितनी भी डिस्टेंस है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यहां भी इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल देंगे, तो इस तरह से हमें दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू डू दी कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स ये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12, द पॉइंट x कॉमा y लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, एक मेथड तो क्या है कि इसकी आपको कैची मिनिमम वैल्यू, तो आप इसमें इसको z लेट करें, तो जब z आपका मिनिमम होगा तो उसकी स्क्वायरिंग करने पे भी वो आंसर क्या सकता है मिनिमम, तो आप z स्क्वायर लेट कर सकते हो बाद में, और इससे y की वैल्यू पुट करो इसमें, तो जेड ओनली किसकी टर्म होगा एक्स की टर्म में, और आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से क्या करो dz by dx से आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, एक मेथड तो ये। और उससे भी सिंपल मेथड क्या है, तो देखो क्या करना है, ये जो पॉइंट पी है वो आपका इस लाइन पे लाई करता है, तो आप क्या करो इस पॉइंट एक्स को वाई को लेट करो पॉइंट आर कॉस थीटा कोमा, इसको ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, क्वेश्चन को इजी हो जाएगा वो, ये पॉइंट आपने लेट किया आर
cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो इस पॉइंट पी को जब इसमें पुट करोगे, जिसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है बोलो, मिनी वैल्यू, तो उसको z लेट किया, तो x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करोगे तो क्या आ गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 और रूट r स्क्वायर इज r, मतलब आपको r की बेटा मिनिमम वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट। तो देन ये जो पॉइंट पी है वो लाइज ऑन दी लाइन, तो इस पॉइंट पी को आप लाइन में पुट कर सकते हो, तो लाइन में पुट करोगे तो क्या आ गया, 2r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा, तो r कॉमन लो, तो r कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में मिला आपको 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, तो उसको अपन डिवाइड में ले जाते हैं 6 के में, तो आ गया r इक्वल टू 6 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। और अब आप देखो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू को करना है कैलकुलेट, तो जब डिनोमिनेटर की आप कौन सी वैल्यू करोगे फाइंड आउट मैक्सिमम, तो कांस्टेंट अपॉन मैक्सिमम इज मिनिमम, तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी मिनिमम। और ये देखो कौन सी फॉर्मेट है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 प्लस 9 रूट 13, तो इससे आपको मिल गया आर मिनिमम इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 13। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में जब रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें ये रखा है कि एक पॉइंट पी है जो इसे स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है नाउ, और इस तरह से लाई करता है कि पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है दैट शुड बी मैक्सिमम। ए और बी पॉइंट हमें दे रखे हैं तो हमें पी पॉइंट पूछा है, तो देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट ये लाइन है हम लोगों के पास में, इसको ड्रॉ करते हैं, वाई को मैं जीरो रखता हूं तो एक्स आएगा माइनस वन अपॉइंट टू, तो माइनस वन अपॉइंट टू कॉमा जीरो से लाइन पास होती है, फिर मैं एक्स को जीरो करता हूं तो वाई आएगा माइनस वन अपॉइंट थ्री, तो जीरो कॉमा माइनस वन अपॉइंट थ्री से स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास में इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट ए पॉइंट है टू कॉमा जीरो जो यहां पर कहीं है, और बी पॉइंट है हमारे पास में ये जीरो कॉमा टू, ये यहां पर है, और P पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि PA और PB का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में मैक्सिमम होना चाहिए। PA और PB का जो डिफरेंस है वो हम लोगों के पास में मैक्सिमम होना चाहिए। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि मैं इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूं, मैं ये को थोड़ा सा इधर की तरफ मान लेता हूं, ये पॉइंट A है हमारे पास में, इस पूरी स्ट्रेट लाइन, लेट अस कॉल इट दिस स्ट्रेट लाइन इज L, और ये हमारे पास में AB स्ट्रेट लाइन है, इसको L1 बोल देता हूं मैं, तो P पॉइंट L1 पर है, सॉरी P पॉइंट L पर है, और P पॉइंट ऐसा है कि उसकी A और B से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप सोच के देखिएगा इस AB लाइन को अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए मैं P पॉइंट को यहां लेता हूं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूं, तो इस केस में PA और PB का जो डिफरेंस है वो AB के बराबर आएगा, है ना। अगर मैं P पॉइंट को A और B के बीच में कहीं ले लेता हूं तो PA और PB का जो डिफरेंस आएगा इस लेंथ और इस लेंथ का डिफरेंस वो निश्चित रूप से AB से छोटा आएगा, और अगर आप P पॉइंट को यहां पे कहीं ले लेते हैं तो भी PA और PB का जो डिफरेंस है, ये लेंथ PA और ये लेंथ PB, इसका डिफरेंस अभी भी AB के बराबर आएगा। दैट इज अगर ये दोनों पॉइंट A और B हैं, तो P पॉइंट को यदि आप A और B के बीच में लेते हैं तो PA और PB का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन अगर P पॉइंट को इधर या इधर लेते हैं तो PA और PB का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली AB के बराबर होगा, और PA और PB का डिफरेंस इससे ज्यादा तभी आ सकता है जब P पॉइंट को आप और कहीं ले। बट इस केस में अगर हम देखें तो PA और PB के डिफरेंस को मुझे मैक्सिमम करना है और साथ में उसको L पर लाई करवाना है, तो हम लोग इस पॉइंट को P मान लेते हैं, जिससे PA और PB का डिफरेंस मैक्सिमम भी आ जाएगा और वो L पर लाई भी कर जाएगा। तो अब बेसिकली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करिए, AB की इक्वेशन आपके पास है, इस स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन आप लिख सकते हैं x plus y equal to 2, और इस L की स्ट्रेट इक्वेशन आपके पास में है ऑलरेडी 2x plus 3y plus 1 equal to 0। आप इन दोनों को अगर सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे दैट विल बी पॉइंट P, और वहां से आपको बस सॉल्व करना है, तो आपको 0.7 कॉमा माइनस 5 मिलेगा विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इफ द पॉइंट 4 कॉमा 7 एंड cos थीटा कॉमा sin थीटा, थीटा 0 से 2 पाई गिवन है, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x plus y minus 1 equal to 0 देन थीटा इज, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये लाइन है आपकी लेट L x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये दोनों पॉइंट है वो लाइन के क्या है, सेम साइड है। तो जब भी टू पॉइंट्स लाइन के क्या हो, सेम साइड, तो दोनों पॉइंट को पुट करने पे जो कोरस्पोंडिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव,
तो क्या करना है, इस लाइन में पहले पॉइंट पुट करो कोस और साइन, तो ये आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन अपॉन, लाइन में फर्स्ट पॉइंट पुट करो अपॉन सेकेंड पुट करो 4 7, तो 4 7 11, तो 10 ग्रेटर देन 0, तो ये रेशियो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इससे मिल गया आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा ग्रेटर देन 1। तो आपको ये देखना है कि थीटा की वैल्यू ऐसी लो कि जिससे साइन प्लस कोस आपका क्या आना चाहिए, 1 से ग्रेटर। तो देखो सिंपल मेथड क्या है, आप एक काम करो उसको 1/√2 से कर दो मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि जब इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा साइन ए प्लस बी का, तो 1/√2 को लिख सकते हो कॉस पाई बाई 4 और इधर 1/√2 को लिख सकते हो साइन पाई बाई 4, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 1/√2। अब इसको एक काम करो थोड़ी देर के लिए आप टी लेट करो, तो क्वेश्चन आ गया साइन टी ग्रेटर देन 1/√2। थोड़ा समझना इसमें, थीटा 0 से 2π है, तो 0 से 2π में जो साइन एक्स है उसका डायग्राम ड्रॉ करके देख लो आप कि 1/√2 से ग्रेटर वैल्यू कब हो सकती है, ये डायग्राम ऐसे होगा, 1/√2 की लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो साइन थीटा 1/√2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो थीटा किस इंटरवल होगा, इस पार्ट में ये वैल्यू होगी पाई बाई 4 और दिस वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3π/4। इसका मीनिंग क्या है कि साइन टी 1/√2 से ग्रेटर देन टी लाइज बिटवीन पाई बाई 4 से 3π/4, पाई बाई 4 से 3π/4, और बाद में आप क्या करो टी की वैल्यू को पुट कर देना थीटा प्लस पाई बाई 4, तो जब इसको थीटा प्लस पाई बाई 4 पुट करोगे तो इधर पाई बाई 4 को शिफ्ट किया तो 0 आ गया, और बाद में पाई बाई 4 को राइट में शिफ्ट करोगे तो 3π/2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2, तो थीटा आना चाहिए 0 से π/2, तो जब थीटा 0 से π/2 लोगे तो साइन टी मतलब सॉरी साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 से क्या होगी ग्रेटर, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को ऐसा कह रखा है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस से हमने सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए, जैसे ए पॉइंट से हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी से हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी ई और एफ, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए गए हैं 20.25, 8.16 और 8.9। हम लोगों को इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ये जो एच पॉइंट है ये निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी वो हम यूज करेंगे, ये जो ट्रायंगल डी ई एफ आपको दिख रहा है आपको ध्यान होगा स्टूडेंट इसको हम कहते हैं ट्रायंगल एबीसी का पीटल ट्रायंगल, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि पीटल ट्रायंगल का इन सेंटर और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर सेम होता है, यानी ये जो एच है स्टूडेंट ये हमारे पास में ट्रायंगल डी ई एफ का इन सेंटर है और डी ई एफ के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अगर हमें पता है तो उसका इन सेंटर निकालना बहुत इजी काम होता है, तो उस मेथड से जाकर के हम एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और जब हम लोग एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर के रूप में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, हां 16 क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन 3x-4y-7=0 एंड 12x-5y+6=0। देखो क्या करना है, ये टू लाइन गिवन है आपको, लेट दिस पार्ट और ऐसे, ठीक है, फिर आपने क्या किया एक पॉइंट है 2, 3, इससे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो दोनों के साथ क्या इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे लेट ये एंगल अल्फा है तो ये भी लेट एंगल अल्फा है, वो इधर भी हो सकता है अल्फा, कोई बड़ा इशू नहीं इसमें, तो अब आपको सिंपल सी बात है कि जो 2, 3 जो लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना, लेट दिस इज एल, देखो क्या मेथड है इसका, आप इसका स्लोप लेट करो एम, ये जो फर्स्ट लाइन है L1 ये गिवन है आपको 3x-4y-7=0, तो इसका स्लोप क्या होगा 3/4 माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट, और जो L2 लाइन है इसका स्लोप क्या होगा 12y5, तो इसका स्लोप आ गया 12/5, आपको इस लाइन का L1 का स्लोप गिवन है, L का स्लोप लेट M है, तो इससे अपन लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ m1-m2/1+m1m2, तो ये आ गया बेटा 3/4-m/1+m1m2, तो दिस इज 3m/4। सिमिलरली जब आप इससे भी बात करोगे tan थीटा के फॉर्मूलों की, तो इससे आ गया tan अल्फा इक्वल टू
एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, तो इसका स्वरूप क्या 12 अपॉन 5, तो ये लग हो गया 12 अपॉन 5 माइनस एम अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, तो ये आ गया 12 एम अपॉन 5। अब क्या कर सकते हैं बोलो, टेन थीटा को जब इक्वेट करोगे तो क्या आ गया दिस इक्वल टू दिस। पहले आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर देना, 4 एलसीएम लेके और उसमें 5 एलसीएम लेके, जब दोनों वैल्यू को इक्वेट करोगे तो एक बार तो लेना टेकिंग प्लस और एक बार लेना टेकिंग माइनस, ये आप कैलकुलेट करना। तो जब इसमें टेकिंग प्लस लोगे तो उसमें जो होने वाला वो ऐसे होगा एम स्क्वायर में क्वालिटी बनेगी और वो वैल्यू आपको कुछ नेगेटिव पार्ट मिलने वाली है, तो एम स्क्वायर नेगेटिव होगा तो एम क्या होगा उसमें नॉट डिफाइंड, तो ये केस तो आप करोगे रॉन्ग जब प्लस लोगे। और जब इसमें करोगे आप टेकिंग माइनस, तो टेकिंग माइनस में एम वन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे एम की मिलेंगी आपको टू वैल्यूज, और उन दोनों वैल्यूज को यूज करके जब 2,3 से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखोगे तो आपको बेटा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप ये कैलकुलेशन करना आंसर जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें किसी रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स की इक्वेशन दी है, एरिया दिया है रेक्टेंगल का, हमें उस रेक्टेंगल की साइड्स की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये हमारे पास में उसके दोनों डायगोनल है, ठीक है, ये हम लोगों को दे रखा है। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को जब दोनों डायगोनल दे रखे हैं तो हम लोग दोनों डायगोनल, जैसे कि पहले डायगोनल इक्वेशन है हम लोगों के पास में y प्लस एट एक्स माइनस 17 इक्वल टू जीरो, और दूसरे की इक्वेशन है y माइनस एट एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, कि इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें इस डायगोनल, दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और देखिए सॉल्व करना काफी इजी है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2y माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू 5 आ गया, और y को अगर आप यहां पर 5 रखते हैं 3/2, तो देखिए x आ जाएगा 3/2, तो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 3/2, 5। नाउ यू नो इन रेक्टेंगल दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट ऑल आर इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम ये मान लेंगे स्टूडेंट कि ये जो लेंथ है ये लैम्डा है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं उसको आप समझिएगा, जैसे कि एसी लाइन है, मान लीजिए ये मेरे पास एसी की इक्वेशन थी, तो मेरे पास में स्टूडेंट एसी लाइन का स्लोप है माइनस में 8, है ना, मान लीजिए इसका इंक्लिनेशन थीटा है, स्लोप होता है 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू माइनस 8 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 थीटा का मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मतलब ये 8 है साइड और ये 1 है, तो ये हो जाएगी रूट ओवर 65 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं एसी साइड के लिए, एसी साइड के स्लोप को, एसी साइड के इंक्लिनेशन को थीटा मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड होगा 1/√65 एंड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड होगा 8/√65। देखिए ये मैग्नीट्यूड लिखे, साइन हम डिसाइड करेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, so cos theta will be negative and sin theta will be positive, तो ये AC साइड के लिए cos theta और sin theta की वैल्यू हमें मिल चुकी है। Now what we will do, हम AC साइड की इक्वेशन को अगेन स्टूडेंट पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखेंगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो होगी x माइनस 3/2 अपॉन cos theta which is माइनस 1/√65 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन sin theta that is 8/√65 इक्वल टू। अब देखिए सर, अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट से लैम्डा डिस्टेंस के लैम्डा डिस्टेंस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं निकालने हैं, तो मैं एक बार इसमें लैम्डा रखूंगा प्लस में और एक बार माइनस लैम्डा रखूंगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा लिखना है। अब आपको एक बार यहाँ पे प्लस साइन लेकर के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उससे मान लीजिए आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आप माइनस साइन लेंगे तो आपको फिर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एसी की इक्वेशन लिखी है, बिल्कुल उसी तरह से चल के आप स्टूडेंट बीडी की इक्वेशन को लिखेंगे सिमिलरली बिल्कुल, और उससे आपको बी और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट आपको लैम्डा की टर्म्स में ही मिलने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी लैम्डा, ये भी डिस्टेंस लैम्डा, तो चारों के कोऑर्डिनेट आपको लैम्डा की टर्म्स में मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट अगर आपके पास चारों के कोऑर्डिनेट लैम्डा की टर्म्स में है, तो देखिए आप इस डिस्टेंस को निकाल देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और आप इस डिस्टेंस को भी निकाल देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब ये डिस्टेंस भी लैम्डा की टर्म्स में आएगी, ये डिस्टेंस भी लैम्डा की टर्म्स में आएगी, जब दोनों के डिस्टेंस हमें लैम्डा की टर्म्स में आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया होगा CD into BC, that is length into breadth,
और वो हम इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट 8 से, तो पूरी इक्वेशन देखिए लैम्डा में एक सिंपल इक्वेशन होगी, सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारे पास इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो हम चारों साइड की इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखिए सर थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है कि आपको ये लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होने वाली है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चारों ही इसकी साइड्स की इक्वेशन होगी, तो चारों ऑप्शन हमारे आंसर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ ए अपॉन रूट बी सी माइनस टू इक्वल टू रूट बी प्लस सी प्लस रूट सी अपॉन बी वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव देन फैमिली ऑफ लाइन दिस पार्ट पासिंग थ्रू दी फिक्स्ड पॉइंट गिवन बाय, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको एबीसी में रिलेशन गिवन हो और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें भी कौन प्रेजेंट है एबीसी, तो एबीसी में एक रिलेशन कनेक्टेड हो और ये लाइन गिवन है तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या करना है, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेटा फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो में क्या करोगे कन्वर्ट, देन L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका होगा बेटा फिक्स्ड पॉइंट। तो आप क्या करो, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करो L1 प्लस लैम्डा L2 जीरो में। तो देखो अपन को इस रिलेशन का यूज करना है, तो देखें इसमें क्या करते हैं, ये रूट BC से कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट BC से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया A माइनस टू रूट BC इक्वल टू रूट C कैंसिल होके B आ गया और प्लस आ गया C। इस माइनस रूट BC को राइट में शिफ्ट करोगे तो दिस इज B प्लस C प्लस टू रूट BC इक्वल टू A, और इसको ढंग से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा A प्लस B के होल स्क्वायर का, मतलब दिस इज रूट B प्लस रूट C का होल स्क्वायर इक्वल टू A। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो इससे आपको दो रिलेशन मिलेंगे, एक तो मिल गया रूट B प्लस रूट C इक्वल टू सॉरी प्लस माइनस रूट लिख दो आप, एक वाला लेना है टेकिंग प्लस एक वाला लेना है टेकिंग माइनस। अब इस लाइन को आपको कन्वर्ट करना है L1 प्लस L2 जीरो में, तो इसमें थ्री वेरिएबल है रूट ए रूट बी रूट सी, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को करो पहले एलिमिनेट, फिर अपन रूट ए या रूट बी कॉमन लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं L1 प्लस L2 जीरो में। तो चलो अपन इसमें एक काम करते हैं, रूट सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं टेकिंग प्लस, तो टेकिंग प्लस के अकॉर्डिंग जब रूट सी की वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज रूट ए इंटू एक्स प्लस रूट बी इंटू वाई, और रूट सी की वैल्यू क्या होगी टेकिंग प्लस से रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू जीरो। तो देखो इन फर्स्ट और थर्ड में जब रूट ए कॉमन लोगे तो क्या आ गया बोलो एक्स प्लस वन, और सेकेंड और फोर्थ में बेटा रूट बी कॉमन लोगे तो ये आ गया वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप रूट ए को डिवाइड में लाओगे तो रूट बी अपॉन रूट ए को अपन लेट कर सकते हैं लैम्डा, तो कन्वर्ट हो गया ना एल वन प्लस लैम्डा एल टू जीरो। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा सिंपल दिस जीरो एंड दिस जीरो, तो इसको जीरो करने पे एक्स माइनस वन आ गया वाई आ गया वन, तो एक फिक्स पॉइंट तो आ गया माइनस वन कोमा वन। सिमिलरली जब आप टेकिंग माइनस की बात करोगे तो बस टेकिंग माइनस में क्या होगा माइनस रूट ए माइनस बी, तो इधर माइनस रूट ए और माइनस रूट बी, तो माइनस रूट ए कॉमन लोगे तो ये आ गया एक्स माइनस वन और ये वाई माइनस वन, तो देन अगेन फिक्स पॉइंट मिलेगा पी वन कोमा वन। तो टू फिक्स पॉइंट होंगे वन कोमा वन एंड माइनस वन का होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, सर शायद उसको मिस कर गए हैं, वो बात ये है कि देखिए स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए लिख रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लेकर के चलेंगे तो दिस इक्वेशन इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर हमें नहीं मिल सकता। सो हम लोग इस वाले रिलेशन को लेकर के नहीं चल सकते, हमें केवल प्लस वाला लेकर के ही चलना है, और फाइनली इस चीज को आप लेके चलेंगे तो हमें दो नहीं एक ही पॉइंट मिलेगा, और उसको आप ऐसे भी जज कर सकते हैं स्टूडेंट कि देखिए ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसमें वन कोमा वन रखूंगा तो दिस इज रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो जीरो नहीं आ सकता, तो वन कोमा वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, केवल वन कॉमा माइनस वन जो था वो हमको इसको सेटिस्फाई करेंगे या माइनस वन कॉमा वन वॉट एवर द ऑप्शन वॉज, तो हम केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर के रूप में देंगे। तो ये दिस वॉज अ ट्रिकी थिंग जो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें स्टूडेंट हम लोगों को देखिए एक ट्राइंगल है आइसोसेलीस, दो साइड की इक्वेशन दे रखी है और थर्ड साइड जो है वो वन कॉमा माइनस टेन से पास होती है, तो थर्ड साइड की इक्वेशन हम लोगों से पूछी गई है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है।
अब स्टूडेंट देखिए यहां पर दो तरह के केसेस मैं लेके चल सकता हूं। पहला तो ये है कि ये जो साइड हमें दे रखी है ये इक्वल साइड्स हो, लाइक ए बी और ए सी हमारे पास में इक्वल है, और ये साइड हम लोगों को दे रखी है 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0, एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और तीसरी साइड जो है 1, -10, ये हम लोगों को, ये जो BC साइड है वो यहां से पास होती है। अब हम लोगों को इस थर्ड साइड की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है ना। एक केस हमारे पास में ये हो सकता है, तो इसमें देखिए सुन, हम लोगों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, हम इसको इस स्लोप को मान करके चलेंगे m। अगर ये m है, ये थीटा है, तो दोनों के बीच tan थीटा निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच भी tan थीटा निकाल लेंगे, उससे हमें m की वैल्यू मिलेगी। इसका स्लोप है स्टूडेंट हमारे पास में प्लस में 7, इसका स्लोप है माइनस में 1, तो मैं यहां पर दोनों के बीच tan थीटा लगा लूंगा, तो m1 - m2 / 1 + m1 - m2। देखिए इस तरह के केसेस में स्टूडेंट हम लोग चाहे तो दोनों तरफ मॉडुलस लगा के फिर सॉल्व कर सकते हैं, बट एक ट्रिक बता रहा हूं उसमें भी मैं आपको, आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते जाइए और बिना कोई मॉडुलस लगाए काम करते जाइए। तो मैंने यहां पर इस तरह से चला, तो यहां पर भी मैं ऐसे ही जाऊंगा। अब इन दोनों के बीच tan थीटा निकालेंगे तो दैट विल बी m1 - m2 / 1 m1 m2, इसको इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एम की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें इस साइड बीसी का स्लोप मिल जाएगा। अब बीसी का स्लोप आपको मिल चुका है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, तो हम लोग बीसी साइड की इक्वेशन को यहां से निकाल देंगे। यहां पर मेरे ख्याल से एम की हमें दो वैल्यूज मिलेगी और दो स्लोप हो गए, तो हम लोग बीसी साइड की इक्वेशन निकाल लेंगे, तो दो ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोगों को मिलने वाले हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, कट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी, एंड दी लाइन एक्स अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश इक्वल टू -1 कट्स एट ए एंड बी, सॉरी ए डैश एंड बी डैश, देन दी ऑर्थो सेंटर ऑफ दी ट्राइंगल ए बी ए डैश इज, तो आपको ए बी ए डैश का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बोलो, बी, और बाद में बोला गया है कि ये इधर ए डैश है और ये आपका बी डैश है, तो देखो ढंग से आप, ये दोनों एंगल आपके 90 है, तो इनसे अपन क्या बना सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ए बी सी डी आपके क्या होंगे बोलो, कौन साइक्लिक पॉइंट, और ए बी सी डी अगर कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो जैसे लेट ये ए डैश था आपका, ये बी डैश, तो इस ए बी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल अगर अल्फा है, तो सर्कमफ्रेंस पे ये भी एंगल क्या होगा बोलो, अल्फा। तो इससे आपको पहले ए बी और ए डैश में, ए डैश बी डैश में बेटा एक रिलेशन आने वाला है, क्योंकि तो इसमें जो अपन ए बी ए डैश का ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो सिंपल हो जाएगा आपका। देखो अपन इसको सेफ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बी पॉइंट है आपका 0, B, ए पॉइंट है आपका 0, एंड ए डैश पॉइंट होगा -0। तो देखें जब ए बी ए डैश का आप ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करोगे, तो ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो अपोजिट, कोई भी दो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका होगा ऑर्थो सेंटर। तो जब पॉइंट बी से जब आप ए ए डैश पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखो इसी पॉइंट पे क्या करेगा मीट, मतलब ये आपका क्या वाई एक्सिस, और एक आपने ड्रॉ किया से, इसका मीनिंग जो ऑर्थो सेंटर है वो लाइज ऑन दी वाई एक्सिस, तो इस एच को मैं लेट कर सकता हूं 0, α, तो आपको ओनली अल्फा को क्या करना है, कैलकुलेट। तो देखो सिंपल, ये ए डैश पता है, एच आपका 0, α है, तो इस ए एच का स्लोप होगा α - 0, तो α/0 - a, सिमिलरली बी पॉइंट गिवन है आपको, एच पॉइंट 0, α है, तो आप बी एच का स्लोप भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट, या फिर सिंपल कि आपको एच का स्लोप पता है और ए बी का स्लोप पता है -b/a, तो ए बी और ए ए डैश एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन m1 m2 -1, तो दिस इज -b/a इक्वल टू, ये ए डैश था इक्वल टू -1, तो इससे अल्फा आ गया आपके पास a a डैश अपॉन b, क्योंकि माइनस तो कैंसिल, तो
एक आंसर तो इसे मिल गया 0, a a' / b, तो एक ऑप्शन तो आ गया बेटा इससे थर्ड, इतना कर सकते हो आप। बट इसमें जब आप देखोगे कि ये एक कॉनसाइक्लिक सर्किल है, ए कॉनसाइक्लिक पॉइंट है ए बी ए डैश बी डैश, देन आप इस ए बी और ए डैश बी डैश में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो ये एंगल अल्फा है, तो इससे टेन अल्फा क्या होगा, बी अपोन ए, और इससे जब ये एंगल अल्फा था तो इससे टेन अल्फा क्या होगा, ए डैश अपॉन बी डैश, तो दोनों से टेन अल्फा को इक्वल करोगे तो आ गया ए डैश अपॉन बी डैश, तो इससे रिलेशन मिला बी इक्वल टू ए ए डैश अपॉन बी डैश। तो जब आप ए ए डैश अपॉन या फिर बी डैश को दर्शित करो तो ए ए डैश अपॉन बी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं बी डैश, तो इससे एक पॉइंट और आ सकता है 0, b'। तो ये कंडीशन को बाद में यूज करना था कॉनसाइक्लिक की कंडीशन से, तो इसका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और यहीं पर हम लोग इस वीडियो सॉल्यूशन को ओवर करते हैं। थैंक यू।